नगर पालिका परिषद हापुड़ के 41 वार्डों के आरक्षण पर आई 75 आपत्तियों की शनिवार को उप जिलाधिकारी दिग्विजय सिंह ने सुनवाई की। ये जो एक नियमानुसार कार्रवाई की जाती है, उसमें जो आरक्षण संबंधी व्यवस्था है उस पर आज आपत्ति ली गई है विभिन्न माध्यमों से। 75 आपत्ति ली गई है आज। हाँ, लोगों की समस्या सुनी गई है, आपत्ति ली गई है और उनका उचित माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है। नगर पालिका परिषद हापुड़ में 41 वार्ड हैं जिनके आरक्षण की सूची गत दिनों शासन ने प्रकाशित की थी। आरक्षण व्यवस्था से नाराज लोगों ने अपनी अपनी आपत्ति दाखिल की। इन आपत्तियों को शनिवार को SDM हापुड़ दिग्विजय सिंह ने सुनी। इन आपत्तियों पर किसने क्या कहा, प्रस्तुत है अशोक तोमर की खास रिपोर्ट। देखिए, यहाँ हापुड़ में जो वार्डों की आपत्तियाँ दर्ज हुई हैं उनके निस्तारण के लिए बुलाया गया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि इनका निस्तारण होगा। यदि हमने अधिकारियों से कोई बात कही है तो उन्होंने कहा जी हम शासन को भेज देंगे। शासन को तो भेज ही चुके, अब अंतिम ये सूची आ रही है। अगर इसमें भी बदलाव नहीं होगा तो शहर के लोग इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे, कोई किसी को वोट नहीं देगा। यानी कि आप संतुष्ट नहीं हो इनकी? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है इससे। ये जो आपत्ति हमने लगाई है इनका निस्तारण कोई भी अधिकारी करने को तैयार नहीं है। सबने शासन के लिए कह दिया तो फिर प्रशासन आपत्ति क्यों ले रहा है? आपत्ति भी शासन को ही भेजो फिर, और आपत्ति भी शासन को ही दिलवानी चाहिए। अधिकतर आपत्ति एक ही बात की है सर, इसमें